आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन क्लास कर रहे हैं, क्लास है आपकी बीकॉम सेकंड ईयर और बीकॉम थर्ड ईयर, दोनों में आपका सेम चैप्टर है, दोनों में एक ही चैप्टर है आपका, सेम क्वेश्चन है आपके पास में, सेम मेटेरियल है आपके पास में। तो बीकॉम सेकंड ईयर में बुक का नाम आपके पास में कॉस्टिंग अकाउंटिंग, कौन सी बुक आपके पास में कॉस्टिंग अकाउंटिंग, और पेपर कौन सा आपके पास में पेपर सेकेंड है, यूनिट है आपके पास में फाइव, चैप्टर का नाम है आपके पर माप लागत विधि एवं विचरण विश्लेषण, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, और बीकॉम थर्ड ईयर में आपके पास में बुक है बिजनेस बजटिंग, कौन सी बुक है बिजनेस बजटिंग, पेपर आपके पास में पेपर सेकंड, यूनिट आपके पास में थर्ड, बीकॉम सेकंड ईयर में आपके पास में पेपर सेकंड है और बीकॉम थर्ड ईयर में आपके पास में सेकंड पेपर, यूनिट है इसमें फाइव और इसमें कौन सी आपके पास में यूनिट थर्ड, चैप्टर आपके पास में सेम रहेगा, सेम क्वेश्चन है, सेम मटेरियल है आपके पास में। हमने चैप्टर का नाम क्या है परमाप लागत है, परमाप लागत से आप क्या समझते हो, ऐसी लागत जो अनुमान की जाती है, जैसे आपके पास में एक सामान्य अवस्था के अंदर क्या दिया हुआ था आपके पास में सामान्य अवस्था के अंदर आपके पास में एक नाप दी हुई होती है कि इसके अनुसार आपको मेटेरियल यूज करना है, जैसे एक केजी बनाने के लिए आपके पास में कितना मेटेरियल चाहिए उसकी इकाई दी हुई होती है आपके पास में। तो पहला आपका परमाप लागत, परमाप लागत स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट दूसरा होता है आपके पास में वास्तविक लागत, वास्तविक लागत एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, और तीसरा कौन सा आपके पास है वेरिएंस विचरण, विचरण कौन सा आपके पास है वेरिएंस, यहाँ पे दिखता है आपको यहाँ पे वेरिएंस विचरण, वेरिएंस। अब आपके पास में परमाप लागत होती है, वास्तविक लागत दी होती है, क्वेश्चन में वो पूछता क्या है वेरिएंस, ये तीनों चीज क्या है आपके पास में, जैसे आपके पास में कोई वस्तु बनवा रहा है, एक मार्कर बनवा रहा है, तो मार्कर बनाने से पहले आपको क्या सूचना दी हुई होती है कि इस प्रकार से एक अनुमान दिया हुआ होता है कि आप मार्कर बनाओगे तो इसमें कितना कच्चा मटेरियल लगेगा आपके पास में, इस रेट से लगेगा, एक तो क्वांटिटी देगा आपके पास में और एक क्या देगा आपके पास में प्राइस देगा आपके पास में, क्या देगा आपके पास में क्वांटिटी देगा कि इतनी क्वांटिटी आपको यूज करनी होगी और इतना उसका प्राइस होगा आपके पास, तो ये तो संभावना दे रहा है बेचेगा कि इस लागत में आप बढ़ा सकते हो, इतनी क्वांटिटी लगेगी और इतना आपके पास में पर यूनिट पैसा लगेगा, और वास्तव में जब आप ये मार्कर बनाते हो तो वास्तव में कितनी क्वांटिटी लगती है और कितनी आपके पास में प्राइस आती है, तो वो क्या कहलाती है आपके पास में एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस कहलाती है। तो इस प्रकार ये तो आपका अनुमानित प्राइस हो गई और अनुमानित क्वांटिटी हो गई, यानी बढ़ाने से पहले का और ये बढ़ाते टाइम आपकी कौन सी कॉस्ट आती है, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है आपका वेरियंस कहलाता है, यानी विचरण कहलाता है। तो इस प्रकार जो आपकी परमाप लागत है स्टैंडर्ड कॉस्ट और जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है इन दोनों का अंतर क्या कहलाता है आपका विचरण या वेरियंस कहलाता है। अब बात होती है आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट की, परमाप लागत, परमाप लागत से तात्पर्य है कि परमाप लागत से तात्पर्य है, परमाप लागत से तात्पर्य उन लागतों से, उन लागतों से है, उन लागतों से है जो सामान्य स्थितियों में, जो सामान्य स्थितियों में
स्थितियों में किसी विशिष्ट किसी विशिष्ट उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन प्रक्रिया में विशिष्ट उत्पादन प्रक्रिया में खर्च खर्च की जानी चाहिए। क्यों हुआ आपका परमाप लागत यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट किसे बोलते हैं? जब परमाप लागत से तात्पर्य कुल लागतों से जो सामान्य स्थितियों में एक व्यवसाय के सामान्य स्थिति होती है उसके अंदर किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो सामग्री यूज की जाती है सामान्य स्थितियों में किसी विशिष्ट उत्पादन के यानी जो भी आप उत्पादन कर रहे हो प्रक्रिया में खर्च की जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि सामान्य परमाप लागत का अर्थ होता है कि जो आपके पास में पहले से तो दिया हुआ है कि आप एक पेन को बनाने के लिए जैसे 5 यूनिट यूज कर सकते हो और प्राइस रहेगी 1 यूनिट की जैसे 2 रुपए। तो एक पेन को बनाने में जैसे अनुमान है आपका कि 5 यूनिट तो क्या लगेगी आपके पास बैटर लगेगा और 2 रुपए के हिसाब से लगेगा तो 10 रुपए में क्या होगा एक पेन का निर्माण हो जाएगा। तो ये तो था आपका अनुमान और एक्चुअल में जैसे आप पेन का निर्माण करते हो तो वो कौन सी कहलाती है? वास्तविक लागत कहलाती है। तो इसके बाद में आता है ये तो हो गया आपके परमाप लागत का। इसके बाद में विचरण विचरण वेरियंस वेरियंस। तो वेरियंस क्या होता है? जो आपकी परमाप लागत और एक्चुअल लागत जो वास्तविक लागत है उसका अंतर क्या कहलाता है? आपका वेरियंस कहलाता है। तो वेरियंस में आपका परमाप लागत परमाप लागत निर्धारण परमाप लागत निर्धारण कर उसकी उसकी तुलना तुलना वास्तविक लागत से की जाती है से और इन दोनों के लागतों के अंतर को विचरण कहते हैं विचरण किसे बोलते हैं? जो आपके पास में परमाप लागत दे रखी है और जो वास्तविक लागत दे रखी है एक्चुअल में कितनी कॉस्ट आएगी दोनों के अंतर को क्या बोलते हैं? वेरियंस बोलते हैं। अब विचरणों की गणना कितने प्रकार से की जाती है? कौन कौन से विचरणों की गणना करती है? वो है अपने पहला विचरण है आपके पास में कौन सा है? सामग्री लागत विचरण। कौन सा है? सामग्री लागत विचरण सामग्री लागत विचरण। कौन सा सामग्री लागत विचरण कौन सा है? सामग्री लागत विचरण मटेरियल मटेरियल कॉस्ट वेरियंस। पहला कौन सा आपका मटेरियल कॉस्ट वेरियंस हो गया। सेकंड नंबर पे कौन सा आपका श्रम लागत विचरण श्रम
लागत विचरण, कौन सा आया सेकंड नंबर पे, श्रम लागत विचरण, लेबर लेबर कॉस्ट वेरिएंस। सेकंड नंबर पे किसकी गणना करनी है अपन को, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। एक नंबर पे किसकी करनी है, मेटल कॉस्ट वेरिएंस। इसके बाद आता है तीन नंबर पे आता है विक्रय विचरण, विक्रय विक्रय विचरण, कौन सा आता है विक्रय विचरण, सेल्स सेल्स वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस। इसके बाद में चार नंबर पे कौन सा आता है आपका, चार नंबर पे कौन सा आता है विक्रय लाभ विचरण, विक्रय लाभ विचरण, विक्रय लाभ विचरण। इसमें कौन सा आपका सेल्स मार्जिन वेरिएंस, सेल्स मार्जिन वेरिएंस। कौन सा हो गया सेल्स मार्जिन वेरिएंस, और पांचवा कौन सा आपका ऊपरी व्यय विचरण, कौन सा आपका ऊपरी व्यय विचरण, ओवरहेड वेरिएंस। ये हो गया आपको पांच प्रकार के वेरिएंस है जो आपको ज्ञात करना है। पहला आपका मेटल कॉस्ट वेरिएंस, सेकंड आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस, तीसरा आपका सेल्स वेरिएंस, और चौथा कौन सा आपका सेल्स मार्जिन वेरिएंस, और पांचवा कौन सा आपका ओवरहेड वेरिएंस। तो आपके आउट ऑफ सिलेबस है कौन सा ऊपरी व्यय विचरण, आउट ऑफ सिलेबस। तो आपके क्वेश्चन नहीं आता है, यानी चैप्टर में दिया हुआ है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं आएगा, आउट ऑफ सिलेबस। ओके, ये हो गए अपने पास में पांच वेरिएंस हो गए। पांचों वेरिएंस में सबसे पहले वेरिएंस कौन सा पढ़ेंगे अपन, मेटल कॉस्ट वेरिएंस, कौन सा पढ़ेंगे मेटल कॉस्ट वेरिएंस। अब मेटल कॉस्ट वेरिएंस की बात होती है तो आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस और मेटल कॉस्ट वेरिएंस लगभग सेम दे रखा आपका, तो पहली बात होती है सामग्री लागत विचरण मेटल कॉस्ट वेरिएंस। इसके फॉर्मूले दिए हुए हैं तो सबसे पहले तो अपने फॉर्मूले तैयार करते हैं, उसके बाद में क्या करेंगे अपन क्वेश्चन। अब इसमें आता है इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत निम्नलिखित निम्नलिखित विचरणों की गणना की जाती है, निम्नलिखित विचरणों की गणना की जाती है। पहला कौन सा आपके पास में सामग्री लागत विचरण मेटल कॉस्ट वेरिएंस, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित विचरणों की गणना की जाती है। इसमें पहला आता है फर्स्ट कौन सा आता है सामग्री लागत विचरण, सामग्री लागत विचरण, कौन सा आता है सामग्री लागत विचरण, मेटल मेटल कॉस्ट वेरिएंस, मेटल कॉस्ट वेरिएंस। ये आपके पास में इसका सूत्र क्या होता है, आपके पास में शॉर्ट में क्या नाम क्या है इसका, एमसीबी, क्या नाम है आपका इसका एमसीबी, एमसीबी मेटल कॉस्ट वेरिएंस, क्या नाम है शॉर्ट में एमसीबी मेटल कॉस्ट वेरिएंस। सूत्र क्या होगा इसका, एसक्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एसक्यू यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस,
माइनस हो जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस, ये हो गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस। इसका दूसरा सूत्र होता है आपके पास में एम सी वी, दूसरा सूत्र है इसके पास में टी एस ई माइनस टी ए सी। ओके, दूसरा सूत्र कौन सा होगा, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, ये हो गया आपके पास में। आप इनटू करोगे एस पी इनटू एस पी तो क्या आ जाएगा आपके पास में टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, क्या आपके पास क्वांटिटी दे रखी 10 और इसमें प्राइस कितनी दे रखी आपके पास 2 रुपए, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट 20 रुपए हो जाएगी आपके पास में 10 इंटू 2 20 रुपए, तो कैपिटल स्टैंडर्ड कॉस्ट को बोल सकते हो आप और टोटल एक्चुअल कॉस्ट को बोल सकते हो। तो इस प्रकार आपके लिए फॉर्मूला हो गया फर्स्ट कौन सा सामग्री लागत विचरण बेटर कॉस्ट वेरिएंस आपके पास में हो गया एक कॉस्ट का। इसके बाद में ये सूत्र याद नहीं होता तो बनाने का एक तरीका है, जैसे ये आपके पास में एस क्यू एस पी स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस, इसके बाद में होता है एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस, ये हो गया आपके पास में स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस। तो पहला क्या आपके पास में बेटर कॉस्ट वेरिएंस, तो क्या करोगे आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस को इसको क्या करोगे आप गुणा करोगे और माइनस क्या करोगे आप इसको और इसको क्या करोगे गुणा करोगे। तो पहला फॉर्मूला हो गया आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, हो गया आपका पहला क्वेश्चन। इसके बाद में आपके पास में कॉलम नंबर पे आपके पास में फॉर्मूला सेकंड नंबर पे कौन सा है मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, मेटेरियल प्राइस वेरिएंस कौन सा आपके पास में क्या बोल रहे हैं, ये क्या था आपके पास में कॉस्ट वेरिएंस, तो आपने गुणा किया तो कॉस्ट आ गई एस पी इंटू एस पी एफ पी इंटू एक क्यू इंटू एफ पी एक क्यू इंटू एफ पी, तो आपके पास में दूसरा देख रहा है स्टैंडर्ड प्राइस मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, फॉर्मूला क्या होगा इसका जो आपके पास में क्या देख रहे हैं एस पी माइनस एफ पी गुणा कर दोगे आप इससे एक क्यू से, क्या करोगे एस पी इंटू एफ पी मल्टीप्लाई किससे करोगे एक क्यू से, तो ये हो गया मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस प्राइस का अंतर, तो प्राइस का अंतर क्या हो जाएगा एस पी माइनस एफ पी और गुणा किससे हो जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी से, तो ये आपका सेकंड हो गया मेटेरियल प्राइस वेरिएंस। और थर्ड है आपका थर्ड मेटेरियल यूज वेरिएंस, मेटेरियल मेटेरियल यूज वेरिएंस, मेटेरियल यूज वेरिएंस यूज का मतलब होता है क्वांटिटी जो आपके पास में संख्या दी हुई है, तो क्या हो जाएगा इसका एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी, क्या हो जाएगा आपके पास में एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी, तो ये हो गया आपके पास में तीन फॉर्मूले। पहला हो गया मेटेरियल जो आपके पास मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, पहला कौन सा है मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये हो गया आपका दूसरा मेटेरियल प्राइस वेरिएंस हो गया, तीसरा आपके पास में मेटेरियल यूज वेरिएंस, ये तीन फॉर्मूले हो गए आपके पास में। इसके बाद में बनाना आएगा आपका पहला फॉर्मूला बनेगा एस क्यू इंटू एस पी और माइनस कर दो ए क्यू इंटू ए पी, दूसरा कौन है प्राइस, तो प्राइस का क्या लोग अंतर, तो एस पी माइनस ए पी इंटू कर दो तो पीस के अंदर है क्या एक क्यू एक्चुअल क्वांटिटी। उसके बाद में आपका मेटेरियल यूज वेरिएंस सूत्र याद रखने का तरीका, क्या बोल रहे हैं यूज, तो आपके पास में यूज क्या कर रहे हो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी और बीच के अंदर क्या आपका स्टैंडर्ड प्राइस, तो स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। इसके बाद में आपका आता है स्टार नोट, क्या था नोट, नोट में बोल रहा है जब पर्सन में, जब पर्सन में, जब पर्सन में
एक से अधिक है, एक से अधिक। जब प्रसंग के अंदर, जब प्रसंग के अंदर क्या दे रखो, एक से अधिक प्रकार की, एक से अधिक प्रकार की सामग्री, सामग्री दी गई हो, दी गई हो। ये बोल रहा है कि जब प्रसंग में एक से अधिक प्रकार की सामग्री दी गई हो, यानी एक प्रकार की सामग्री हो, दो प्रकार की सामग्री, जैसे आपको देखा स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे दिया, स्टैंडर्ड प्राइस दे दिया, और इसके बाद में एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस। अब आपके पास में एक ही प्रकार की सामग्री दे रखा है, एक प्रकार की, जैसे 5 यूनिट यूज कर रहा है 2 रुपए के हिसाब से, और 3 यूनिट कर रहा है 2 रुपए के हिसाब से, तो ये एक ही प्रकार का प्रोडक्ट दे रखा है आपको, एक प्रकार का। यदि इसमें आपके पास में भी प्रकार का प्रोडक्ट भी देते, जैसे 10 यूनिट कर रहा है 1 रुपए के हिसाब से, और 4 यूनिट कर रहा है किसके हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से, तो ये अब जब आपके पास दूसरे में कितने प्रकार की सामग्री दी हुई, दो प्रकार की सामग्री रहती थी। जब एक प्रकार की सामग्री रहती है तो तीन आपके पास में क्या कैलकुलेट किए जाते हैं, तीन प्रकार के वेरिएंस क्या किए जाते हैं, पहला सामग्री कॉस्ट वेरिएंस, मेटल कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा मेटल प्राइस वेरिएंस, और तीसरा मेटल यूज वेरिएंस। यदि इनके अलावा यानी एक प्रकार की सामग्री रहती है तीनों वेरिएंस, और यदि दो प्रकार की सामग्री आपके पास में, दो प्रकार की सामग्री, तो इसके अलावा तीन वेरिएंस और क्या करने होंगे आपको, तो वो तीनों इस प्रकार है, इसके आगे लिखेंगे आप, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो वो ले सकते हैं। इसके बाद में आता है अपना फोर, तीनों है आपके पास में सूत्र। इसके बाद में आता है चार नंबर का, जब आपके पास में दो प्रकार के मेटेरियल दिए हो, दो प्रकार की सामग्री दी हो, तब क्या किया जाएगा आपका, तो ये इसका नाम है मेटल मिक्स वेरिएंस, मेटल मिक्स वेरिएंस, मेटल मिक्स वेरिएंस। सूत्र क्या होगा आपका, क्या क्या देखा आपको, एस क्यू एस पी, ए क्यू और ए पी, तो सूत्र हो जाएगा आपका आर एस क्यू, आर एस क्यू माइनस क्या रहेगा आपकी, ए क्यू इंटू एस पी, क्या सूत्र हो जाएगा आपका आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू SP। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में पांच नंबर आपके मेटेरियल ऑफ यूज वेरिएंस, मेटल सब यूज वेरिएंस, क्या हो जाएगा इसका सूत्र, SQ माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी, क्या सूत्र हो जाएगा आपके पास में, एस क्यू माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी, यह आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला। यह हो गया आपके पास में जब दो प्रकार की मेटेरियल दिए हुए, तो एक प्रकार का दिया हुआ है तो तीन फॉर्मूले, और यदि दो प्रकार का दिया हुआ है तो छह फॉर्मूले आपको कैलकुलेट करने होंगे। ये हो गया आपका, इसके बाद में आएगा फॉर्मूला नंबर 6, फॉर्मूला एफ मेटल एंड वेरिएंस, मेटल एंड वेरिएंस, इसका शॉर्ट में नाम है आपका MMV, इसका नाम है MSUV, इसका नाम है आपका MYV, ओके, शॉर्ट में नाम है। प्रत्यक्ष अक्षर ये लोगे आपको पहला अक्षर
MMV, शॉर्ट का नाम क्या है MSUV और इसका नाम क्या है MYV। इसका सूत्र होता है आपके AY minus SY इनटू हो जाएगा आपका SC per unit। ओके, इसके बाद में अपना नंबर उठाता है, नोट होता है नोट नंबर एक, जो भी अपने पास में जैसे RSU है याद करना पड़ेगा, AY याद करना पड़ेगा, SY याद करना पड़ेगा, SC पर यूनिट याद करना पड़ेगा, जो भी अपने पास में, तो नोट नंबर एक होता है। जब पर्सन में एक से अधिक स्टैंडर्ड आउटपुट व एक्चुअल आउटपुट, जब पर्सन में स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दिया हो और दोनों में अंतर हो तो पहले न्यू एस्टिमेट की गणना की जाएगी, पहले न्यू एस्टिमेट यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी की गणना की जाएगी। क्या बात बोल रहा है, इसकी पहली शर्त है क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, सॉल्व करने से पहले जब अपन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक चीज देखनी पड़ती है, जब पर्सन में स्टैंडर्ड आउटपुट, जो आपका स्टैंडर्ड आउटपुट है कि आपने कितना उत्पादन लगाया और आपके पास में लास्ट में उत्पादन कितना प्राप्त हो रहा है, एक्चुअल आउटपुट है लास्ट में, जैसे आपने सोई यूनिट लगाई तो उत्पादन कितना हो रहा है आपके पास में 90 यूनिट का, तो आपने कितने यूनिट का लगाया मान 100 यूनिट के लिए और आपको कितना प्राप्त हो रहा है 90, तो यदि इनमें अंतर दे रहा है कि आपने आउटपुट क्या लगाया कौन सा लगाया स्टैंडर्ड आउटपुट, आपने माना कि जो सामने लगा दिया उससे 100 यूनिट बन सकती है अपने पास में, 100 केजी माल बन सकता है और आपके पास में प्राप्त कितना होता है एक्चुअल में कितना बन पाता है लास्ट में पता चलता है 90 केजी, तो इन दोनों में जब भी आपको क्या डिफरेंट हो यानी अंतर हो तो किसकी गणना की जाएगी आपके पास में न्यू एस2, जो आपका एस2 है उसकी क्या गणना न्यू एस2 की गणना की जाएगी, इसकी ये हो गई आपकी शर्त नंबर एक हो गई। इसके बाद में चलते हैं अपन नोट नंबर टू, ये बोल रहा हूँ आपको पहले से फॉर्मूला लिख लो एक बार, न्यू एस2 बराबर जो आपका ओल्ड एस2 है कौन सा ये दिया हुआ यहाँ पे वो लेके ऊपर एस2 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट, क्या बोल रहा है आपका न्यू एस2 करना, जब आपके पास में स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में अंतर दिया हुआ है तो क्या करना होगा आपको न्यू एस2 करना है, क्योंकि जो आपको पुराना दिया हुआ है वो नहीं लेना है, सॉल्व कर देना, न्यू एस2 करना की लेंगे यानी एस2 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट, इसके आधार पर निकालना है इन्हीं में अंतर दिया हुआ तो इन्हीं को लेंगे, याद क्या करना है एस2 तो एस2 आ जाएगा ओल्ड एस2 पर आ जाएगा स्टैंडर्ड आउटपुट नीचे आ जाएगा इनटू इससे हो जाएगा आपका एक्चुअल आउटपुट से, तो ये हो गया आपका न्यू एस2 का निकालने का फॉर्मूला।
इसके बाद प्लॉट नंबर टू, इसके शॉर्ट लेना चाहो तो ले सकता है। इसके बाद में बात होती है अपने प्लॉट नंबर टू की, नोट नंबर टू, नोट नंबर दो, आरएसक्यू लेना है। जो आपके पास में अभी बताओ, आपके पास में आरएसक्यू दिया हुआ है, आरएसक्यू दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है, तो आपके पास में आरएसक्यू नहीं दिया हुआ, तो इसकी गणना कैसे करनी है आपको? आरएसक्यू बराबर स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्या लोगे आप लोग, क्या बात कर रहे हो? आर एस क्यू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एस क्यू डिवाइड बाय क्या लोगे आप? टी एस क्यू टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी टू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, क्या लोगे आप? इनकी फुल फॉर्म लिखो, आर एस क्यू बराबर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसके बाद में आपके टी एस यू टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसके बाद में आपका टी ए क्यू टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ओके ये हो गया आपके पास में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यानी आपको क्या निकालना पड़ेगा? आरएसक्यू डिवाइड बाय टीएसक्यू टू टीएक्यू। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे, एक क्वेश्चन करने आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि निकालना कैसे है। अभी आपके पास में क्या फॉर्मूले है आपके पास में, इसके बाद में अब यहाँ पे नोट डालो कि जो आरएसक्यू निकालो तो आपको क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में अंतर दिया हुआ है। जब आपके पास में एक तो ओल्ड एसक्यू हो जाता है, जो पुराना एसक्यू, और एक जो आपके पास में नया निकाला हुआ न्यू एसक्यू हो जाता है, तो यहाँ पे कौन सा एसक्यू लेना आपको वो आएगा। आरएसक्यू की गणना करते समय, आरएसक्यू की गणना करते समय क्या बोल रहे हैं? आरएसक्यू की गणना करते समय ओल्ड एस क्यू का प्रयोग किया जाएगा। क्या किया जाएगा आपके पास में? आर एस क्यू की गणना करते समय आपको कौन सा एस क्यू लेना होगा, जो आपके पास में ओल्ड एस क्यू दिया हुआ, कौन सा ओल्ड एस क्यू दिया हुआ है वो लिया जाएगा। इसके बाद में नोट नंबर आता है आपका तीन, नोट नंबर तीन इसमें बोल रहा है आपको एस वाई की गणना कीजिए। जो आपके पास में ये देखो शॉर्टकट यहाँ पे दिया हुआ है एस वाई की गणना कीजिए। एस वाई की गणना ये देखा आपके पास में स्टैंडर्ड आउटपुट, सूत्र है इसका स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइड बाय टी एस क्यू इनटू टी ए क्यू। ये हो गया आपका, क्या निकाल लेना ऐसा निकाल लेना, क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड आउटपुट। जो आपको शुरू में बोल रहा था कि जो स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में अंतर किया हुआ था, वो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइड बाय टीएसक्यू इनटू टीएक्यू। इसके बाद में आपका आ जाएगा नोट नंबर फोर ये आपका ऐसी पर यूनिट, जो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, ऐसी पर यूनिट कैसे निकालेंगे अपन? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, टोटल
स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइड बाय हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू सो परसेंटेज में नहीं लेना, परसेंटेज में लेना होता तब लगाते थे। ये हो गया आपके पास में स्टैंडर्ड टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। अब अपने पास में देखो स्टैंडर्ड आउटपुट तो अपने पास में क्वेश्चन में दिया हुआ है, बात होती है अपने पास में टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो कैसे निकालेंगे टोटल स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे? ओल्ड एस इनटू एसपी क्या लेंगे अपन, ओल्ड एसक्यू इनटू एसपी। ये हो गए अपने बात खोज मिलोगी, तो अपन पहला कौन सा निकाल रहे हैं मेटर कॉस्ट वेरिएंस के लिए अपन को छह फॉर्मूले चाहिए और छह फॉर्मूले के लिए चार नोट चाहिए, तो इस प्रकार अपन पहला निकाल सकते हैं मेटर कॉस्ट वेरिएंस। अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, अपन क्या करेंगे एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको सबको समझ में आ जाएगा किस प्रकार आपके फॉर्मूले पढ़ते हैं और किस प्रकार आपको सॉल्व करना है। जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है।